औरत कभी छोड़ती नहीं है, और अगर छोड़ देना तो कहीं का नहीं छोड़ती। मर्द औरत की इज्जत इसके किरदार या खूबसूरती की वजह से नहीं करता, मर्द औरत की इज्जत अपने ज़र्फ के मुताबिक करता है। कम ज़र्फ इंसान किसी औरत की भी इज्जत नहीं करता, जबकि एक आला ज़र्फ इंसान उस औरत को भी इज्जत देता है जिसकी बज़ाहिर माशरे में कोई इज्जत नहीं। ये फैसला अब आप पे है कि आप एक आला ज़र्फ मर्द हैं या फिर मुर्दा ज़र्फ। अजीब बात है ना कि किसी से हमारा रिश्ता ख़त्म भी हो जाए तो हम फिर भी उसको मशहूर कर रहे होते हैं और अपने आप को बदनाम कर रहे होते हैं। हमें पता ही नहीं चलता, हम उससे ही अपने आप को जोड़े रखते हैं और इसी वजह से हमें खुशी और गम में फ़र्क भी महसूस नहीं होता। बाबा जी फरमाते हैं, अगर मर्द मोहब्बत कर ले तो मर्द के दिल में कभी भी किसी दूसरी औरत के लिए जगह नहीं होती। अपनी ज़िंदगी में ऐसे लोगों को शामिल करो जो आईना और साया बन के साथ रहें, क्योंकि आईना झूठ नहीं बोलता और साया साथ नहीं छोड़ता। वक्त और समझ एक साथ खुशकिस्मत लोगों को ही मिलती है, क्योंकि अक्सर वक्त पर समझ नहीं होती और समझ आने तक वक्त नहीं रहता। एक औरत की मोहब्बत में यही तो खूबसूरती है कि अगर साथ निभाने पर आ जाए तो फकीर से बादशाह बना देती है। किसी को कोई छोड़ जाए तो वो मर नहीं जाता, ये अलग बात है कि किसी के बिस्तर पर दवाइयों के ढेर होते हैं तो किसी का सोते वक्त तकिया गीला हो जाता है। और जिनसे मोहब्बत की जाए उनका बुरा नहीं चाहा करते,